ने ये बोला कि जो हम अपने माँ बाप से नहीं सीख सकते उससे ज्यादा अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीख सकते हैं, वो हमारी फैमिली के पिलर्स होते हैं, स्तंभ होते हैं, जैसे एक पौधा होता है और एक वटवृक्ष होता है, तो हम सब उनके वो वटवृक्ष हैं और हम लोग सब उनकी शाखाएं और उनके पौधे और फल हैं। और मैंने ये बोला, हर बच्चे को एक एडवाइस दी, बच्चों को यही बोला और अपने स्टाफ को भी, कि अगर आपके पास ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो आप बहुत लकी हैं, और डेली आप शाम को एक घंटा उनके पास जरूर बैठा करिए, आप जो उनसे सीखेंगे लाइफ की स्किल्स, लाइफ को फेस करने के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को फेस करने के और उनको टैकल करने के लिए, अगर आज वो अलाइव हैं 80 इयर्स की एज में तो आप मान के चलिए कि वो फिट हैं और हमारे यहाँ आए हैं चल के वो खुद, तो आप उनसे जो सीखेंगे वो शायद अपने पेरेंट्स से भी ना सीख पाए। तो ये सर अभी हमने रिसेंटली इनिशिएटिव लिया, मैं चाहता हूँ सभी स्कूल्स में एटलीस्ट साल में 2 बार ग्रैंड पेरेंट्स डे, ग्रैंड मदर डे, ग्रैंड फादर डे होना ही चाहिए ऑर्गेनाइज, जिससे हम बता सकें भावी पीढ़ी को कि उनका समाज में कितनी जरूरत है, कितनी रिस्पेक्ट है। अगर हम अपने घर में ही रिस्पेक्ट देंगे ग्रैंड पेरेंट्स को तो मेरे को लगता है ये वृद्ध आश्रम जो खोलते हैं उनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।